सोने में, खाने में, चलने में, बोलने में, बैठने में, उठने में, कर्म करने में, व्यवहार में, बर्ताव में, एति वेति सभी जगह विवेक रखो। विवेक कहाँ सोना है, कितना सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना कम खाना है, क्या बोलना है कि नहीं बोलना है, शोरगुल मचाना है कि नहीं मचाना है, आरती हो रही है, बैठे रहना है कि खड़े होना है। आरती में सबको खड़े हो जाना चाहिए, इतना भी नहीं सीख पाए हाथ जोड़ लेना चाहिए, ऐसे खड़े हैं मुंह फैला कर। आरती में हाथ जोड़कर खड़े होना चाहिए, श्रद्धा से, नम्रता, हर कार्य में विवेक। और जिसका विवेक जाग गया, याद रखना वो दुनिया में कहीं भटक नहीं सकता। और जिसका विवेक जागा नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम एनी टाइम वो भटक सकता है। चरित्र से भी भटक जाएगा, खान पान में भटक जाएगा, आचार विचार में भटक जाएगा, कर्मों में भटक जाएगा, गलत आदतों में भटक जाएगा, व्यभिचार में भटक जाएगा, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार व्यभिचार लोभ लालच काम क्रोध लोभ मोह सब में भटक जाएगा। विवेक जलती हुई टॉर्च। अभी हमें एक टॉर्च दान मिली थी, श्रीमती भोल कुमारी जोगेंद्र सिंह ने दिया, मैं जलाया था उसको। जलती हुई टॉर्च, बुद्धि बुझी हुई टॉर्च। बुद्धि भी टॉर्च है लेकिन बुझी, और जो उसमें विवेक आ गया तो जलती हुई टॉर्च। बुझी टॉर्च से क्या रास्ता दिख सकता है आपको? नहीं दिखेगा। और जलती हुई टॉर्च से सब साफ रास्ता दिखता है। याद रखना, सत्संग के द्वारा अपनी बुद्धि में विवेक जागृत करिए, तब आपकी बुद्धि जलती हुई टॉर्च बन जाएगी, फिर तुम भटकने से बच जाओगे, अज्ञान के अंधकार को फाड़ दो। महान आत्मा की पहचान है उसमें नम्रता। नीच आत्मा, हीन आत्मा की पहचान होगी उसमें अभिमान। नम्रता तब आती है जब आप में महानता आती है, और अभिमान तब आता है जब आपके अंदर नीचता और हीनता और बुराइयां प्रवेश करती हैं। अकड़ने की जरूरत क्या है, झुक कर चलना सीखो। वृक्षों में जब फल लद जाते हैं तो वृक्ष की डाली झुक जाती है। सोचिए, बादलों में जब पानी भरता है तो बादल भी धरती तरफ झुक जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं। फूल के पौधे में जब फूल खिलते हैं तो उसकी भी डगालियां झुक जाती है। झुकने से ही सब कुछ मिलता है। 250 ग्राम सोना सड़क पर पड़ा, जब तक झुकोगे नहीं तो उठाओगे कैसे? अरे गोबर उठाने के लिए भी तो झुकना पड़ता, बिना झुके गोबर भी नहीं उठता। सोना की बात छोड़ो, निवेदन है, धर्मे तत्परता मुखे मधुरता दाने समुते साहिता मित्रे अवंचकता गुरो विनयता चित्तैत गंभीरता आचारे सुचिता गुणे रसिकता शास्त्रे सुविज्ञात्रता रूपे सुंदरता शिवे भजनता तोयमस्ति वैराघवा। भगवान का लक्षण, भगवान का गुण है गुरु विनयता, जो अपने से बड़ों के साथ विनम्र व्यवहार करता है, विनम्रता से प्रणाम करता है, विनम्रता से नमस्कार करता है, जो अपने से बड़ों की सेवा विनम्रता से करता है। विनम्रता सेवा, सेवा में अंतर होता है, इसलिए विनम्रता शब्द विशेषण है।
तीसरी भक्ति में रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने शिवरी को समझाया है। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गणे करे कपट जीवाने। तीसरी भक्ति गुरु के कमल रूपी चरणों की सेवा। गुरु पद पंकज, पद माने चरण, पंकज माने कमल। तीसर भक्ति अमान, अमान माने निर्मानता, निर्मानता माने विनम्रता। गुरु के चरण कमल होना चाहिए, और जिस गुरु के चरण कमल, आचरण कमल, नयन कमल, हृदय कमल, मुख कमल, जीवन कमल, पद कमल, कर कमल, ऐसे गुरु की सेवा करो। कैसे करो? अभिमान छोड़कर। कैसे करो? अमान होकर, अमान मानी निर्माण होकर, निर्माण माने विनम्र होकर। सेवा में गिलास में पानी भर कर लाए, पटक दिया, लो पी लो, ये कौन तरीका है? तुम्हारा घमंड गया ही नहीं। थाली परोस कर पति के सामने रखा, ऐसे दूर से खिसका दिया, ले खा लो, ये कौन सी सेवा है? पति ने मांगा मेरा बुसरट दे दो, पेंट दे दो, उठाकर फेंक दिया, ले पहल लो इधर, वारे सेवा, वाह भाई वाह। पति ने चाय मांगा, मारे गुस्सम चाय लाकर दिया, तो चाय सब छलक के यहाँ गिर गई बिस्तर पर, और पटक दिया कप और प्लेट, ले पी ले, ब्यारे ब्यार चाय पिए थे। पति भी सोच पड़ेगा, अगली बार चाय मंगी हो तो पिटाई नहीं कोई हुआ। पत्नी ने पति से कहा, जरा मायके चलना। अरे तुम जब देखो तब मायके जाती है, चलो बैठो गाड़ी में, तुम्हें हुआ छोड़ जाइए। गुस्सा हो गया, माई बैठा रही गाड़ी में, इतना तेज भगाई कि रास्ते में पत्नी गिर गई मोटरसाइकिल से नीचे, उनकी खोपड़ी फूट गए, वह पड़ी वीरेंद्र बाजार में, वो पहुंच गई जनकपुर। जनकपुर मुड़ कर देखी कि पत्नी तो है ये नहीं, वह गिरी पड़ी खोपड़ी फूट गई। जितने काम गुस्सा में करोगे, अभिमान में करोगे, क्रोध में करोगे, घमंड में करोगे, वे सभी काम भी बिगड़ेंगे। और याद रखना, उस कर्म का कोई नतीजा नहीं है, दुख और दरिद्र ही आएगा और कुछ होने वाला।